हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन शेफील्ड यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच में। फ्रेंड्स, ये मैच होगा आज शेफील्ड यूनाइटेड के होम पर, तो बट स्टिल इस मैच में हमें लगता है कि लिवरपूल फेवरेट्स होगी, इनफैक्ट फेवरेट्स होगी बाय अ वेरी हैवी मार्जिन। हमने देखा है इस सीज़न प्रीमियर लीग में कि शेफील्ड यूनाइटेड कितने बुरे फॉर्म में है। रिसेंटली उन्होंने अपने मैनेजर को सैक किया, ऑल्दो ऑफिशियल नहीं हुआ है बट कुछ दिन में आ जाएगा। क्रिस वाइल्डर उनके नए मैनेजर होंगे जिन्होंने उनको लेजेंडरी फिनिश दिलाई थी 10th पोजीशन जब वो काफ़ी साल पहले प्रीमियर लीग में आए थे। दे विल एक्सपेक्ट कि उनके होप्स टर्न अराउंड होंगे, बट इस मैच में स्टिल हमें लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस देखने को मिलेंगे। काफ़ी ख़राब डिफेंसिव फॉर्म में चल रही है शेफील्ड यूनाइटेड। हर मैच में 3 से 4 गोल वो कंसीड कर रहे हैं, 5 गोल भी कंसीड कर रहे हैं। एंड वी वोंट बी सरप्राइज कि अगर इस मैच में लिवरपूल उन्हें बहुत ही बुरी तरह से थ्रैश कर दे। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 4 गोल्स इन दिस मैच फ्रॉम लिवरपूल, इसलिए हम ज़्यादा अटैकर्स को प्रेफर करेंगे अपनी टीम में। बट आप चाहें तो उनको ड्रॉप करके डिफेंडर्स ले सकते हैं अगर आपको लगेगा कि एक लो स्कोरिंग मैच होगा। ऑल दो फ्रेंड्स, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि उनके जो स्टार स्ट्राइकर हैं ओलिवर मैकबर्नी, जब शेफील्ड यूनाइटेड लॉन्ग बॉल्स लॉन्च करती थी तो वो उसको कंट्रोल करके गोल स्कोरिंग का अपॉर्चुनिटी रख देते थे, वो भी 2 मैच के लिए सस्पेंडेड है बिकॉज उन्हें बुकिंग मिल गई थी। तो शेफील्ड यूनाइटेड के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा डिफेंसिवली कोप अप करना। इनका डिफेंस बहुत ही वीक है लीग में एंड वी फील कि दिस वुड बी अ वेरी इजी विन फॉर लिवरपूल। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे व्यू स्पोर्ट का बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपको देंगे कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स और टिप्स फ्रॉम स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको आपकी टीम बनाने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको एक कॉन्टेस्ट खेलना है तो आप ये कॉन्टेस्ट को फैंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं, जहां पर इस मैच के लिए शेफील्ड और लिवरपूल मैच के लिए 1.5 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट है। कंपटीशन काफ़ी कम है, प्राइस पूल इंडिया के टॉप 3 फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स में से एक है। तो गो एंड चेक आउट दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप नाउ और वहाँ पर आप ये कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधे चलते हैं अपने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ फॉर द प्रीमियर लीग मैच बिटवीन शेफील्ड यूनाइटेड एंड लिवरपूल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, हमने अटैक हैवी टीम फॉर्म की है। यहाँ पे वाइस कैप्टनसी फ्रेंड्स हमने डिफेंडर को दिया इस वजह से नहीं बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्लीन शीट, ऑल्दो क्लीन शीट की हैवी पॉसिबिलिटी है, बट अटैक में ज़्यादा वैल्यू इस मैच में। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का जो रीसेंट फॉर्म चल रहा है, स्पेशली लास्ट मैच में जो उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, उससे पहले उन्होंने 1 गोल स्कोर किया, गोल स्कोरिंग फॉर्म ट्रेंट का वापस आ गया। असिस्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है, मिडफील्ड में आ रहे हैं, फाइनल थर्ड में अच्छी एंट्रीज बना रहे हैं, असिस्ट पोटेंशियल अच्छा रखते हैं, डायरेक्ट फ्री किक से गोल स्कोर करने का चांस रखते हैं, आपको हर एवेन्यू से पॉइंट देते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लीन शीट का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसलिए आपकी टीम के लिए वन ऑफ द स्टैंड आउट ऑप्शन बनेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, इसलिए हमने उनको लिया है। वर्जिल वैन डाइक हमने सेकंड डिफेंडर को लिया, हमें लगता है कि सेफ और सिक्योर है आज का मैच स्टार्ट करने के लिए। इस सीजन में फ्रेंड्स वर्जिल वैन डाइक फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आए हुए हैं, इस वजह से फ्रेंड्स हमें लगता है कि वो इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। इस मैच में काफ़ी बढ़िया हेडर का गोल थ्रेट रखते हैं, पासिंग से आपको बहुत अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, आराम से वो 90 से 100 पासेस कर सकते हैं एंड शेफील्ड यूनाइटेड की बैक लाइन को ट्रबल कर सकते हैं फ्रॉम सेट पीसेस। फ्रेंड्स बाकी दोनों डिफेंडर हो सकते हैं कोनाटे और सिमिकास और जो गोमेज में से एक, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सिमिकास को रेस्ट मिल सकता है इसलिए हमने उनको नहीं लिया। अगर सिमिकास स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ऑफेंसिव थ्रेट बहुत अच्छा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जैसा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड देते हैं, ट्रेंड के जैसा डायरेक्ट गोल थ्रेट तुने बट असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी रखते हैं, तो आप उन दोनों प्लेयर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, कोनाटे और सिमिकास कॉस्मार्टिप इंजर्ड है। और हमने रॉबिन्सन लिया है शेफील्ड से, फ्रेंड्स आप इनके जगह और भी ऑप्शंस हैं जैसे लूक थॉमस हैं उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट रॉबिन्सन के डिफेंसिव नंबर्स थोड़े से ओके हैं शेफील्ड के लिए, इसलिए हमने उनको कंसिडर किया है अपनी फैंटेसी टीम्स में। और फ्रेंड्स अगर हम आपको ये बता दें कि आपको ये प्लेयर्स नेगेटिव पॉइंट्स भी दे सकते हैं, इसलिए अगर आपको रॉबिन्सन को ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लेना है शेफील्ड यूनाइटेड से, समवन लाइक गुस्तावो हामर, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। बट हमें लगता है कि इस मैच में लिवरपूल के मिडफील्ड फॉरवर्ड लाइन सभी गोल स्कोर कर सकते हैं, कौन एग्जैक्टली स्कोर करेगा उसकी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, इस वजह से हमने मिडफील्ड और फॉरवर्ड में वैल्यू बढ़ाई है। दैट्स वाई वी हैव टेकन डोमिनिक सुबोसलाई एंड अलेक्सिस मैकलिस्टर। मैकलिस्टर जो बेस पॉइंट्स बहुत अच्छा देते हैं, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग गोल उन्होंने लास्ट मैच में स्कोर किया था, इस मैच में वो उतना डीप नहीं रहेंगे, आगे जाके खेलेंगे, असिस्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा दे सकते हैं इस मैच में आपको, डायरेक्ट बैंगर मारने का भी क्षमता रखते हैं जैसा कि आपने लास्ट मैच में देखा, एंड शोबोसलाई जो सेट पीसेस शेयर करते हैं, असिस्ट पोटेंशियल अच्छा रखते हैं, चांस क्रिएशन नंबर्स अच्छे दे सकते हैं एंड ही कैन ऑल्सो नैक इन अ फ्यू गोल्स, इसलिए हमने इन दोनों को टीम में लिया है। और अगर हम शेफील्ड से बात करें तो हमने नॉरवुड और विनीशियस सूजा को लिया है जो आपको डिफेंसिवली हेल्प कर सकते हैं, टैकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट दे सकते हैं, डिफेंसिव नंबर्स इनके ओके हैं, डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में खेलेंगे, इसलिए आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगा। अगर फ्लैग खेलते हैं तो फ्लैग को भी कंसिडर करिएगा बट केवल ग्रैंड लीग में।
फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो हमने ट्रिपल लिवरपूल फॉरवर्ड लाइन लिया है सिंस डियोगो जोटा इंजर्ड है एंड लुइस डियाज लास्ट मैच में उतना अच्छा नहीं खेले थे इसलिए एक्सपेक्टेड है कि उन्हें रेस्ट भी मिल सकता है। हमने गैकपो को लिया है, मोहम्मद सलाह को लिया, कैप्टनसी दिया है, हमें बताने की जरूरत नहीं कि स्टैंड आउट कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, पेनल्टीज पर होंगे, ईजिएस्ट गोल स्कोरिंग थ्रेट रखते हैं यहाँ पे, असेस पोटेंशियल, चांस क्रिएशन नंबर्स, हर तरीके से आपको पॉइंट देंगे। और हमने डार्विन नूनेस को लिया है जिनकी फिनिशिंग को थोड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं लास्ट दो मैचेस में, स्पेशली लास्ट मैच में जहां पे वो दो गोल स्कोर कर सकते थे बट उन्होंने चांसेस मिस कर दिए, एक बार पे हिट किया, मगर इस टाइप ऑफ मैच में शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट ही हैज़ अ वेरी वेरी गुड चांस टू स्कोर, अगर स्टार्ट करते हैं तो जरूर इन्हें लीजिएगा, आराम से हैट्रिक मार सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी आप इन्हें दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेंट। ऐसा भी हो सकता है कि लुइस डियाज को स्टार्ट मिले और कोडी गैकपो को स्टार्ट मिले, कोडी गैकपो नंबर 9 पे खेले, लुइस डियाज लेफ्ट पे खेले, तो डार्विन को रेस्ट दिया जा सकता है, इस वजह से आप डार्विन को ड्रॉप करके फिर कोडी गैकपो को भी अपनी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं जिन्होंने यूरोपा लीग में दो गोल मारे थे। फ्रेंड्स बेसिकली आप अपने अटैकिंग ऑप्शन से वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी रोटेट कर सकते हैं अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में, एंड ट्रेंट तो आपके लिए एक स्टैंड आउट ऑप्शन चॉइस हमेशा रहेंगे जब भी लिवरपूल का मैच होगा, अटैकिंग और ऑफेंसिव दोनों से आपको पॉइंट्स देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर द प्रीमियर लीग मैच बिटवीन शेफील्ड यूनाइटेड एंड लिवरपूल, हम आपसे मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच, थैंक यू।